क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास। अरुण बॉट अ कार फॉर रुपीज 3,350,000। ठीक है, अरुण ने एक कार खरीदी जो कितने की थी, 3,50,000 की। द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, 3,50,000 की जो कार थी उसका प्राइस क्या हो गया, 3,70,000 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 3,50,000 था, इंक्रीज होके कितना हो गया, 3,70,000 हो गया। तो हमें प्राइस कितना इंक्रीज हुआ इसका परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कितना अमाउंट चेंज हुआ, सबसे पहले हम निकालेंगे प्राइस इंक्रीज कैसे निकालेंगे, मतलब अमाउंट कैसे निकालेंगे कि कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ। तो मतलब यहाँ पे देखो जो बात का है उससे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ऊपर वाले को। ठीक है, 3,70,000 में से माइनस करेंगे 3,50,000 को, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0,0,0,0,7 माइनस 5 करेंगे तो 2, तो कितना आ रहा है 20,000। तो मतलब इंक्रीज कितने का हुआ, रेट जो उसके प्राइस में इंक्रीज कितने का हुआ, 20,000 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो अब परसेंटेज में निकालेंगे, इन परसेंटेज, परसेंटेज में क्या हो जाएगा, 20,000 अपॉन 20,000 अपॉन कौन सा वाला प्राइस आएगा परसेंटेज निकालने के लिए, पहला वाला आएगा या बाद वाला आएगा। ऑफ कोर्स पहला वाला आएगा, क्यों आएगा पहला वाला, बिकॉज इंक्रीज इसके साथ हो रहा है ना, मतलब इसके साथ जब क्या हुआ 20,000 ऐड हुआ तब जाके प्राइस कितना हो गया, 3,70,000 हो गया। तो हमारा पहला वाला यहाँ पे प्राइस आएगा 3,50,000 इंटू करेंगे 100 से, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। यहाँ पे 40 से यहाँ पे 40 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और इसको करेंगे तो ये क्या कितना आएगा, यहाँ पे 200 अपॉन 35 आएगा परसेंट में, तो 35 का डिवाइड करेंगे 200 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 35 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पे पहले कट करते हैं, 5 से कट करेंगे तो 5 7 35। ठीक है, और 5 4 20 तो मतलब 40 आ गया यहाँ पे, तो 40 अपॉन 7 आ रहा है, तो 7 से करेंगे 40 को डिवाइड, तो 7 7 5 35, यहाँ पे 5 बचेगा, पॉइंट करेंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 7 49, तो 1 बचेगा यहाँ पे, 0 लगाएंगे 7, यहाँ पे देखते हैं इसको ढंग से एक बार, 5 से किया तो 5 4 20 आ गया ये। ठीक है, और 7 से करेंगे यहाँ पे 5 7 35, 5 4 20। ठीक है, तो 5 4 20, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 35, यहाँ पे 5 बचेगा रिमेनिंग, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 5 7 7 49, फिर 1 बचेगा, फिर 0, फिर 7 1 7, फिर 3 बचेगा, फिर 0 लगेगा, तो कितना आ रहा है, 5.714 आ रहा है, 5.714% कितना आ गए, 5.74% 714%। ठीक है, तो इस तरीके से आप परसेंटेज में इसको निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, आई बाय अ टीवी फॉर 10,000। ठीक है, मैंने ये टीवी खरीदा जो कितने का था, 10,000 का था, एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब 20% प्रॉफिट में मैंने इसे क्या किया, सेल कर दिया, तो हाउ मच मनी
आई गेट फॉर इट, तो मुझे कितना मतलब कितने में टोटल कितने में हमने इसको क्या क्या सेल किया ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो जब मैंने इसको बाई किया तो कितने का है ये, 10,000 का है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितने का हमारे पास 10,000 रुपीज का कॉस्ट प्राइस है। अब प्रॉफिट हमें परसेंटेज में दे रखा है, प्रॉफिट इन परसेंट कितना है 20% है, तो हम प्रॉफिट इन रुपीज निकाल सकते हैं। प्रॉफिट इन रुपीज कितना हो जाएगा 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना होगा 20/100 हो जाएगा, परसेंटेज को चेंज करने के लिए, इनटू कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000, तो 20 से यहाँ पे 20 कैंसिल हो जाएगी, 2 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 रुपीज। तो मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ हमें 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 10,000 था ना, 10,000 का कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे 2,000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2,000 हो जाएगा, 20 से 20 कटेगी यहाँ पे, और 100 × 20 करेंगे तो 2,000, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 2,000 रुपीज का। अब हमें टोटल अमाउंट निकालनी है, टोटल सेलिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000, प्रॉफिट कितने का है 2,000 का, तो ये कितना हो जाएगा 12,000 रुपीज। तो मतलब हमने इसको कितने में खरीदा, 10,000 में खरीदा, और सेल कितने में किए हैं 12,000 में, ठीक है। जो ही क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, जो ही सेल्स ऑफ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500 रुपीज, सी लॉसेस 20% इन द बार्गेन, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ व्हिच सी बॉट इट, ठीक है। तो जूही ने क्या किया, एक वॉशिंग मशीन को 13,500 में बेचा, सेल किया, ठीक है। तो सेल करते हुए उसे कितने का लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ, ठीक है। तो व्हाट वाज द, हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, जितने में उसने क्या की मशीन को खरीदा उस प्राइस को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें गिवन है कितना है 13,500, ठीक है, और लॉस परसेंट भी पता है हमें कितना होता है, तो यहाँ पे 20% है लॉस परसेंट, ठीक है। अब अगर लॉस को हम रुपीज में निकालना चाहेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज कॉस्ट प्राइस का ही 20% निकालना पड़ेगा ना हमें। तो लेट करते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस सीपी इज एक्स, तो लॉस इन प्रॉफिट रुपीज, लॉस इन रुपीज क्या हो जाएगा 20% ऑफ एक्स, बिकॉज एक्स क्या है कॉस्ट प्राइस, 20% ऑफ एक्स या सीपी लिख सकते हो उसे, तो 20/100 हो जाएगा ये, परसेंट को चेंज करने के लिए डेसिमल में, इनटू सीपी क्या है एक्स, लेट किया तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ रहा है ये x/5 आ रहा है, तो लॉस इन रुपीज कितना है x/5 रुपीज है, ठीक है। तो ये हमारा लॉस निकल गया। अब हमें पता है कि जो सेलिंग प्राइस होता है हमारा वो क्या होता है, अब जब लॉस हो रखा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में से हम क्या करेंगे, लॉस को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, अब सेलिंग प्राइस हमें क्या दे रखा है 3,500 दे रखा है, सीपी कॉस्ट प्राइस हमने एक्स लेट किया है हमें, और ये लॉस हमारा क्या है x/5 आया, तो 13,500 ये क्या हो जाएगा 5x-x/5, ठीक है। तो 13,500 = 4x/5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है।
तो फोर यहाँ डिवाइड में आएगा, तो फोर से डिवाइड करेंगे इसको, तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर जा सिक्सटीन, फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो 13,500 को हम करते हैं इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, कितना आई 13,500 डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 थ्री जा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 4 थ्री जा 12 आएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है, और 7 4 जा 28, तो यहाँ पे 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, और 4 फाइव जा 20, तो कितना आ रहा है हमारा ये x इज इक्वल टू आ रहा है 3375 इंटू 5, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी करते हैं x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5 जा 25 कैरी 2, 5 7 जा 35, 35 पर कितना हो जाएगा 37 कैरी 3, 5 3 जा 15, 15 और 3 कितना होता है 18, फिर कैरी 1 आएगा, फिर 5 3 जा 15 और 1 16, तो कितना आ रहा है ये 16,875 रुपीस, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो गया 16,875 रुपीस, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमने ये निकल गया, ये सेलिंग प्राइस निकल गया, सेलिंग प्राइस हमें गिवन था, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, दो पार्ट्स इसमें, फर्स्ट पार्ट है चॉक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो चॉक होती है हमारी जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ना, तो उसमें क्या क्या रहता है, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन रहता है, इन अ रेशियो, किस रेशियो में है 10:3 12 है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक, तो हमें कार्बन का परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे रेशियो कितना है कार्बन का 3 है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल ऑफ रेशियो करेंगे फर्स्ट में, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा ये 25, अब हम निकालेंगे परसेंट ऑफ कार्बन इन चॉक, तो परसेंट कैसे निकालेंगे, अब देखो 3 है, 3 आउट ऑफ 25 है ना, जो हमारा रेशियो है वो कितना है, टोटल 25 का हमारे पास रेशियो में उसका 3 है, उसका 3 पार्ट्स कितना है कार्बन है उसमें चॉक में, तो इनटू 100 कर देंगे इसके साथ, तो ये परसेंटेज निकल जाएगा, 24 से इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 से इसको कट करेंगे तो 4 आएगा, 3 4 से कितना हो जाएगा 12%, तो चॉक हमारा कितना, चॉक में कार्बन कितना परसेंट है 12% है, ठीक है, इसी तरीके से ये क्या पूछ रहा है, हम इसको एक जगह पे कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे लिखते हैं इसको परसेंट ऑफ कार्बन कितना रही 12% आ गया हमारा, ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा सॉल्व हो गया, अब सेकंड वाला क्या पूछ रहा है ये, इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, अब जो हमारा कार्बन है मतलब जो 12% आया ना, तो इसकी ये अगर ग्राम में दिया होता तो कितना है 3%, जब 3 ग्राम है तो व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक, तो हमें चॉक स्टिक का वेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, लेट करते हैं, लेट द सेकंड वाला है ये, ठीक है, लेट द वेट ऑफ चॉक स्टिक इज x, ठीक है, तो 12% ऑफ x निकालेंगे, 12% ऑफ x इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 3 ग्राम दे रखा है,
12% ऑफ एक्स दे रखा है ना 3 ग्राम, बिकॉज कार्बन कितना है 12% है, और अगर अगर टोटल हमें ग्राम पता होता तो उसमें से कितना है 3 ग्राम है, तो 12 अपॉन क्या हो जाएगा ये 100 into x = 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 100 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 into 100 upon 12 हो जाएगा, तो 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, तो x = कितना आ जाएगा 100 upon 4 आ जाएगा, 4 से इसको कट करेंगे तो x = कितना आ जाएगा 25 ग्राम। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, द वेट ऑफ अ चॉक स्टिक कितना है 25 ग्राम। यहाँ पे लिखेंगे 25 ग्राम इज वेट ऑफ अ चॉक स्टिक। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।